ने तमाम देखने और सुनने वालों को एफएमएनडी पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला खैरियत से रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब खैरियत से रहें, ख्याल रखें अपना, अपनों का और उन सब का कि जो आपके चेहरे पर, आपके लबों पर मुस्कराहट देखना चाहते हैं, मुस्कराते हुआ देखना चाहते हैं आपको, जो आपकी केयर करते हैं उनकी केयर करें। और हालात जैसे भी हों, हालात तो आपको तय के वक्त के साथ साथ बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हवाएं कभी एक रुख पर नहीं चला करती, कभी भी आप देखें, कभी भी आप ये फील करें कि हवा का कभी एक रुख नहीं होता, हर लम्हे में हवा का रुख बदल रहा होता है, हर लम्हे में। तो इसी तरह हालात भी उसी हवा की तरह बदलते रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। पलक झपकते में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। एक काम को हम सोचते हैं कि जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, मगर अचानक पता चलता है वो काम हो गया। कहीं से हमें उम्मीद नहीं होती, वहाँ से हमें कॉल आ जाती है। किसी शख्स से हमें कोई तवक्का नहीं होती, मगर वो शख्स वो काम कर देता है। तो ये कुछ पता नहीं कि हालात कब और कैसे हों, मगर हमें हर हाल में, हर हाल में, जिस हाल में भी हम हैं, हमें अपने रब का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी तरफ से ही है। वो जब चाहेगा पलक झपकते में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बस बात उसके चाहने की है। तो जब उसके चाहने से सब कुछ होना है तो फिर उसकी चाहत में हमें सब कुछ उसके हवाले कर देना है और उसकी चाहत में हमें भी खुश होना है। तो अल्लाह ताला बस आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैरियत से रहें और केयर करें, अपनी केयर करें, सबकी केयर करें। आपको खुश आमदीद कहूँगा मैं आज के इस प्रोग्राम में। और आज इस हफ्ते का दूसरा प्रोग्राम है मेरा, आज मंगल है, तो पीर और मंगल दो दिन रात को होता है, हफ्ते को दिन में होता है। 3 से 5 मुलाकात अजमल शोबी के साथ, जिसका नाम है प्रोग्राम का और जिसमें आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। तो सिलसिला जो है मिक्स प्रोग्राम होगा, आज म्यूज़िक सारा मिक्स होगा। एक मैं आपको बताता चलो, ख़ासतौर पर आमतौर पर कहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में ज़्यादातर फरमाइशों को ज़्यादा शामिल नहीं करता। ये आज का नहीं, सालों से सिलसिला मेरा चला आ रहा है। कभी कभार कुछ चीज़ें मैं कुछ शामिल कर लेता हूँ जो मेरे फॉर्मेट में या मेरे मूड के मुताबिक, मेरे प्रोग्राम के टेम्पो के मुताबिक कुछ चीज़ें आती हैं तो मैं उन्हें शामिल कर लेता हूँ। मैं ये नहीं पत्थर पे लकीर नहीं है, मगर मैक्सिमम जो है वो मैं आपको बताया कि फरमाइशों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं एक अपने सोच के मुताबिक, अपने मूड के मुताबिक, अपने प्रोग्राम का टेम्पो बनाकर मैं चल रहा होता हूँ। उसमें गाने जब अगर फिल्मी हैं तो सारे फिल्मी होंगे और किस टाइप के वो एक टेम्पो बना होता है। अगर गैर फिल्मी शामिल हैं तो उसमें फिल्मी, गैर फिल्मी तमाम गीत गज़लें, तो फिर वो उसी के हिसाब से। तो बहरहाल आपसे लाइव कॉल पर भी बात होगी हमारी, मगर अभी नहीं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना 2 बजे का। 2 बजे से 3 बजे तक हम लाइव कॉल पर बात भी करेंगे 1111111100 पर। एक अरसा हो गया, एक लंबा तवील अरसा कि मैं आपको बताया कि लाइव कॉल पर प्रोग्राम में बात नहीं करता था। मैं अपने प्रोग्राम में लाइव कॉल नहीं लेता था, सिर्फ उस वक्त लेता था कि जब मेरे साथ कोई मेरे गेस्ट होते थे। मगर अब मैंने सोचा कि चले ठीक है, तो हालात की वही बात है कि कब मूड बदल जाए, तो सोचा कि चलिए अब कॉल लेना भी शुरू कर देते हैं। तो अब मैं कॉल लेते हैं और हमारे बहुत सारे हमारे लिसनर्स, हमारी मोहब्बत करने वाले हमें कॉल करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप इतना वक्त निकालते हैं, आप मेरे लिए जागते हैं, बैठे हैं और मौजूद हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ के भी आप हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जनाब शाम एक पहले छोटी सी एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद फिर बात चल निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। फजाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, मगर इसे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे जर्मनी। Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan. जी जना बिल्कुल, बात बड़ी सच है कि लिख भी लो अपने दिल पे मेरी जान। जी हाँ, लिख लो, पक्का लिख लो, पक्का पक्का एकदम
खलनास वाला क्या, और आते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जानिब। आप सबको खुश आमदीद, आपकी ज़रा अटेंडेंस लगाते चलते हैं, देखते हैं कौन कौन इस वक्त हाज़िर हो चुका है क्लास में। और जो लोग आ चुके हैं उनसे गुजारिश यही है कि आपने अपनी अपनी टाइम लाइन पर प्रोग्राम को शेयर कर दें अगर करना चाहें तो, अगर करना चाहें तो ज़बरदस्ती नहीं है, करना चाहें तो कर दें, अगर चाहें तो मुनासिब समझें, वरना तो कोई टेंशन नहीं। फरा महमूद ने मैं ज्वाइन की, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम फरा, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आरजे खबर जावेद ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल सर। वालेकुम अस्सलाम, खबर कैसे? ठीक ठाक हैं, आरजे से सबको भी आपकी सलामत से। और आपको समीना हाथ कहती हैं, अस्सलामुअलैकुम शबी भाई। वालेकुम अस्सलाम समीना, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश आमदीद। और जे खबर जावेद की तरफ से, बी लॉन्ग टाइम नाउ हेयर लिसनिंग यू जनाब, थैंक यू और बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, दिनों का गैप आ जाए कोई बात नहीं, गैप होता है, होना चाहिए। इंसान की कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि शौक़ पूरे हो सकें, ज़िंदगी की ज़रूरियात, ज़िंदगी की मसरूफियात सबसे पहले हैं, वो ज़रूरियात, वो मसरूफियात के जो ज़रूरी हैं, लाजिम मलजूम है हमारी ज़िंदगी के लिए, रोज़मर्रा के लिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी सब चीज़ें ये एक अलग ऑप्शन में आ जाती हैं कि जब टाइम है तो सब कुछ है, टाइम नहीं तो फिर कैसे हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ख़बर आप याद रखते हैं, आपकी दुआओं को बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें आप। और कहते हैं अजमल सर, काइंडली प्ले तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मैं ये चलाऊंगा तो सही, मगर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद इमरान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इमरान ने मैं ज्वाइन किया था, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। इमरान इज़हर जी, वालेकुम सलाम, कैसे इमरान? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। ईद व कबूल ने भी ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद, कहते सलाम शोभी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ईद ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और उसके साथ साथ फिर खबर जावेद क्या कहते हैं, ऑलवेज रॉकिंग, थैंक यू, जजाकल्ला जी। समीना हामिद कहती हैं, आपके पुराने हुस्ना खान समीना असम की जानिब से, पुराने सुनने वाले हुस्ना खान समीना खान और शबाना खान की जानिब से सलाम, थैंक यू, जजाकल्ला भाई। आप माशाल्लाह पुराने का, आप तो सारे नए नए हैं, जब साथ साथ चल रहे तो नए नए, पुराना कोई भी नहीं है, सब नए हैं बिल्कुल। और थैंक यू जजाकल्ला, आप तमाम का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला पूरी फैमिली का, खुश रहें आप। और इमरान कहते हैं कि नुसरत फतेह का मस्त दम मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। सुमी अहमद जवान के, सलाम सर। सुमेरा जी, सुमेरा कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब सर, दुआ करें करिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, ज़रूर अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप जल्द से सेहत हो जाए इंशाल्लाह ताला। बुशरा अहमद ने लाहौर से ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और नजम असलम ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं नजम, खैरियत से? बहुत दिनों बाद आपने मैं ज्वाइन किया। और उसके बाद ज़रीन सत्तार गनी वाला ने ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स एंड जजाकल्ला। रेहान कुरैशी आज हमें सुबह सुबह ज्वाइन कर चुके, कहते हैं प्यारे भाई क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। आर जी अलियास खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, एक्सेलेंट शो, लव यू, थैंक यू, जजाकल्ला एंड ग्रेट सॉन्ग। फरहानुद्दीन ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम शोबी सर एंड ऑल लिसनर्स, दिस शो इज़ नाइस शो, थैंक यू, जजाकल्ला जी। रेहान कहते हैं, तमाम देखने और सुनने वालों को भी सलाम जी, वालेकुम सलाम सब की जानिब से। और कराची किंग, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, आउटस्टैंडिंग शो, लव यू, थैंक यू, जजाकल्ला, बेस्ट ऑफ लक। रेहान कहते हैं, जनाब रेहान कुरैशी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कामयाबियों का सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज बांग्लादेश को टेस्ट मैच में भी शिकस्त से दो चार कर दिया, माशाल्लाह हमें अपनी टीम पर फ़ख्र है और ज़रूर इंशाल्लाह हमें फ़ख्र होना भी चाहिए। और खेल कूद में कभी कभी अगर 19-20 हार जीत भी हो जाए तो उस पर भी इतना में जो बहुत ज़्यादा जो अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल में कोई एक जीतता है कोई एक हारता तो है, परफॉर्मेंस के अच्छी होनी चाहिए, आप ये देखें कि परफॉर्म कैसा किया, अगर खुदा नखास्ता कभी हार भी जाएं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर परफॉर्मेंस
बच्चे और फिर उसके मेहनत के साथ अपनी कोशिशों के बाद भी अगर हार गए तो कोई मसला नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है महाराज जी। और जी ईद व गबोल के कॉल पे टॉपिक रखना। और उसके बाद जमाल सदीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया यूएसएस। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, तमाम देखने और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमाल भाई, कैसे हम ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। और बहुत दिनों के बाद आपने हमें ज्वाइन किया, खैरियत से तो हैं, ठीक ठाक तो है ना। कुछ लगता है कुछ लंबी मसरूफियात चल रही हैं माशाल्लाह से, मुझे ऐसे लगता है कुछ शिकागो में कुछ बड़ा काम कर रहे हैं लगता है मुझे। और आर जे अयाज खान कहते हैं वेरी गुड शो, लव यू जी। मलाइका कुरैशी ने भी सुबह सुबह ज्वाइन कर लिया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। सकीना खान भी ज्वाइन कर चुकी हैं, सलाम वालेकुम सलाम। और आमिर इकबाल भाई हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत प्यारा सा भाई मेरा, कहते हैं आज ये भी हमें सुबह सुबह ज्वाइन कर चुके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सब के लिए बहुत सारी दुआ, खुश रहें, सलामत रहें। सकीना खान कहती हैं आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक हूँ मैं। और उसके बाद जनाब फिर सकीना क्या कहती हैं, आपका शो शुरू भी नहीं होता, लोग एक्सीलेंट बोल देते हैं, यही तो बात है, यही तो बड़ी बात है, आप भी बोल दें, आपको किसने मना किया है। और उसके बाद फिर वसीम खान आज़ाद कश्मीर से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वसीम आज़ाद कश्मीर से, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? और उसके बाद सुनने वालों को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये आपके मैसेजेस, ये आपकी अटेंडेंस, और अब किस किस ने प्रोग्राम को अपनी मेरी टाइमलाइन पर शेयर किया है। और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे ये ऑफिशियल पेज, जो आप जिस पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं अजमल खान शोभी एंकर पर्सन, अगर आपने इसको लाइक और फॉलो नहीं किया है तो उसको लाइक और फॉलो कर लें, ठीक है। और साथ साथ प्रोग्राम जो है वो आप ये सारे प्रोग्राम जो है वो आपको पता है कि फेसबुक पर आप आज देखते हैं, उसके बाद सेकंड है आपको ये सारे प्रोग्राम जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसको भी कर लें। और वो है MAKS MAX HDTV। फिर आप जाएंगे यूट्यूब पर, लिखेंगे मैक्स HDTV तो वो सामने आ जाएगा, उसको आप करें और सारे शोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तमाम शोज़। तो जनाब अब यूँ करते हैं, ज़रा आते हैं इस एक बड़े खूबसूरत से यादगार ट्रैक की जानी, मगर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। फजाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, मगर इसे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मा, लाइव एंटरटेनमेंट शो, एंटरटेनमेंट शो विद अजमल खान शोभी, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 1 AM to 3 AM ओनली ऑन FM 100 पाकिस्तान, FM 100 पाकिस्तान। लेजेंडरी वॉइस से रेशमा जी की आवाज़ आप सुन रहे थे अभी। और वाकई ये आवाज़ सहराई आवाज़, एक ऐसी आवाज़ की जिसने आप देखें कि दुनिया भर में फिर ऐसा धूम, ऐसा चर्चा किया कि लोग दीवाने हो गए, लोग दीवाने हो गए, लोगों की समातों में ऐसी जाके टकराई कि लोग चौंक पड़े कि ये आवाज़ तो पहले कभी नहीं सुनी। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और फिर बात पता सारी वही है कि रब जो चाहता है वही होता है। रब ने जिसके मुकद्दर में अगर मशहूर होना लिख दिया तो वो फिर वो बस मशहूर होगा, फिर वो उसने होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये काम अल्लाह की इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। वो जब इज़्ज़त देने पर आता है तो ख़ुद सारे सिलसिले, सारे सबब, सारे इसबाब बना देता है और सब कुछ होता चला जाता है बस। तो यही बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे आप तारीख में देखें कि जिन शुरू में कुछ भी नहीं थे, अचानक एकदम पलटा हुआ और पलट कर कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नाज़ी हसन ने बचपन में स्कूल में पढ़ती थी वो, और अचानक उनके घर पे ज़ीनत अमान आई। कुर्बानी फिल्म का जब सिलसिला चल रहा था वो आई, और क्योंकि नाज़िया का शौक़ था कि सिंगिंग का, दोनों बहन भाई गिटार बजाए और वो, तो उसकी आवाज़ को सुना और फौरन जो है वो सिलेक्ट हो गई और उनका गाना कुर्बानी फिल्म से वो हिट हो गई।
مطلب بچپن سے ہی وہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام, اور پھر وہی بات ہے کہ اس طرح ہوتے ہوتے دنیا میں ایک نام پیدا کر دیا موسیقی کی دنیا میں دونوں بہن بھائی نے. تو یہ سارے ایسے سلسلہ یہی ہے. بہرحال جی آپ بھی کہیں گے کہ بات کہاں سے کہاں لے کر پہنچ گئے یہ. ملائکہ قریشی کہتی زبردست سانگ لمبی جدائی کیا بات ہے, تھینک یو ملائکہ. اور اس کے بعد وسیم خان کہتے ہیں آزاد کشمیر صاحب اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے, لمبی عمر دے, اور اسی طرح ایف ایم 100 پہ آپ ہمارے لیے پروگرام کرتے رہیں. جزاک اللہ, خوش رہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور بس جی بالکل آج صرف چائے پئیں گے ہم, گرم گرم چائے پئیں گے. اور تھینک یو جزاک اللہ. اور جناب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت جو ہے وہ 1:55 ہو چکے ہیں, اور چائے آ چکی میرے پاس, گرم گرم چائے آ چکی ہے. اور کیونکہ ذرا کچھ گلے میں ٹکور بھی ذرا ایسی محسوس ہو رہا ہے کہ گلے میں کچھ چائے کو جو ہے کچھ پینا چاہیے, تو چائے آ چکی. بہرحال جی اور وسیم کہتے ہیں جلسہ بہت خوبصورت شو, تھینک یو جزاک اللہ. اور سکینہ خان کہتی جب آپ اچھا پروگرام کریں گے تو بول دوں گی, جب مجھے اچھا لگتا ہے تو بولتی ہوں, ایسے نہیں. یہ بھی اچھی بات ہے بھائی. اب یہ تو دیکھیں پسند اپنی اپنی ہے, اب آپ کو اگر پروگرام اچھا نہیں لگ رہا تو یہ آپ کا اپنا حق ہے, بے شک آپ نہیں کہیں. جب آپ کو اچھا لگے تو بول دیجیے گا, اور جب بھی نہ بولے کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں ہے. اور بہرحال جی اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک اور خوبصورت سے زبردست ٹریک کی جانے, مگر اس سے پہلے سلام سر وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں, شو اینڈ سانگ ایکسلنٹ رابعہ خان کی جانب سے. میں رابعہ تھینک یو, بہت شکریہ. اور اب شامل کرتے ہیں ہم یہ ایک خوبصورت نغمہ, اور یہ کون سا ہے, یہ ہے آواز سے ہوتی ہے صدا چہرہ نمائی, آواز سے ہوتی ہے صدا چہرہ نمائی, صورت تیری بن دیکھے نگاہوں میں بسائی. جی ہاں بالکل, آواز وہ جادو سے جگاتی ہوئی آواز, بہت کلاسک چیک. اور آواز اسد امانت علی خان صاحب کی, جبکہ فلم سہیلی میں یہ خوبصورت نغمہ پکچرائز ہوا ہمارے ملک کے چاکلیٹی لیجنڈری ہیرو وحید برات مرحوم پر. اور ان کی ایکٹنگ ہی الگ تھی, انداز ہی الگ تھا, بالکل بولنے کا, ڈائلاگ ڈیلیوری کا, چلنے کا الگ, بالکل الگ تھلگ ایک انسان تھے, الگ تھلگ. بہرحال جی اور شبانہ سہیل کہتی ہیں خوبصورت آواز, خوبصورت گیت. عائشہ نیز سے بجوائن کیا, السلام علیکم شعبے بھائی کیسے ہیں. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اور گانے بہت اچھے لگا رہے ہیں آج, چلے بھائی آپ کو پسند آ رہے ہیں, تھینک یو بھائی, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. اور عید و قبول کو بھی گانے پسند آ رہے, کہتے ہیں گڈ پلے لسٹ بھائی, کیا بات ہے زبردست. جی ذیشان علی جوائن کر چکے, کہتے ہیں السلام علیکم سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں ذیشان, خیریت سے ہیں. السلام علیکم شعبے بھائی, سدا خوش رہیں. شبانہ سہیل کہتی ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جناب وسیم کہتے ہیں آزاد کشمیر جج صاحب بہت پیارا سانگ آواز. اور اس کے بعد پھر جناب ریحان کیا کہتے ہیں, کیا یہی تھی تیری دوستی, دو قدم بھی نہ تو چل سکی, تیرے وعدوں کا میں نے اعتبار کیوں کیا. اور بھائی موت بنا اگر ممکن ہو سکے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ تھینک یو نائس شو جی, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش ہیں, بہت سے دعائیں آپ سب کے لیے. اور اس کے بعد جناب پھر رابعہ کہ سر مائی فیوریٹ سانگ تو میرے پیار کا گیت ہے, تو میرے پیار کا گیت ہے, تو میرے دل کی آواز ہے نا. اور اس کے بعد نسیم قریشی صاحب نے جوائن کیا, کہتے ہیں جناب گلشن اقبال سے ہمیں. اور نسیم قریشی گلشن اقبال سے اجمل شعبی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام نسیم بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے. واہ واہ شعبی بھائی, ہمیشہ کی طرح مزہ آ رہا ہے. اور ریشما جی کا گانا چلا کر اپنے تو ہمارا دل ہی نکال کر لے گئے ہیں, اور ہمارا دل واپس تو کر دیں, کیا بات ہے. ہمارا کیا ہے دل اگر جفا کی چوٹ کھا گیا. شو بھائی جب انصاف کرنے والے ہی انصاف کراچی سے نہیں کریں گے
तो हम किसकी अदालत में जाएंगे। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह खुश रखे आपको। जज़ाकअल्लाह जनाब। बस असल में बात पता है कि हमारे साथ वही हो रहा है कि हम इंसाफ तो सब जगह हो रहा होगा मगर कराची वालों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। कहते जिससे हालांकि जिस पोते की कमाई घर वाले खाते हैं, जिस बच्चे की कमाई खाते हैं, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसको घी मई में देसी घी के पराठे और ये और वो दूध मलाई और हर तरह से उसका ख्याल रखते हैं क्योंकि वो कमाकर दे रहा होता है और खिला अपने घर को चला रहा होता है, तो उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। मगर हमारे यहाँ कराची की कराची वही पूत है, वो कमाऊ पूत है कराची, और उसके बावजूद भी इस कमाऊ पूत का कोई ख्याल नहीं है बल्कि इसके और जो है इसकी कहते जिस्म से चमड़ी उधेड़ी जा रही है ना, ये हाल है। बस क्या करें, खैर जी कहते हैं, वो कहते हैं ना मिसाल आपने सुनी होगी नसीम भाई, बड़ी एक मिसाल है पंजाबी में कि इस सब गोल दे कुछ ना फरोल, तो इसीलिए बस चुप कर दर वटे जाना इश्क दा खोल खुलासा है ना। तो चलने एक और ज़बरदस्त ट्रैक एंजॉय करें साथ साथ मिलके। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobhi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी नाहिद अख्तर की आवाज़ में एक बड़ा क्लासिक सी गज़ल और अपने वक्त की बड़ी कामयाब और बड़ी मधुर आवाज़ नाहिद अख्तर की। और वक्त जो है वो 2:00 तकरीबन 35-36 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा वक्त रह गया प्रोग्राम के अख्ताम में। मेरे ख्याल में यूँ करते कि हम चलते हैं ज़रा लाइव कॉल की जानिब, देखते कौन है हमारे साथ इस लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं जी, खैरियत से? हेलो, आपकी आवाज कुछ कम आ रही है नसीम भाई, कुछ जी जी अब आ रही है? जी अब आ रही, अब आ रही। जो प्रोग्राम पेश कर इसका मजा ही कुछ और। सर थैंक यू, थैंक यू। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है जब आप हमारे सामने इतनी दूर से आके प्रोग्राम करते हैं तो हमारा भी थोड़ा बिजनेस सफर भी बन जाता है। ये मोहब्बत आप सबकी मोहब्बत है बस, ये फीडबैक दें, नहीं आप है तो हमें तो आप, बेशक बेशक इसमें कोई शक नहीं। अगर आप बहुत खूबसूरत सलाम क्या बात बताएं, कोई फरमाइश कर भी नहीं सकते, इसलिए कि जितने भी नगमात हैं वो सब हमारी पसंदी के। बस कोशिश मैं करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से, असल में मूड के हिसाब से लेके चल रहा होता गानों को। तो आपने अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अमूमन मेरी जो है वो नज़र साइड पर ही होती है क्योंकि मैं गानों का सिलेक्शन सोच के अगला गाना कौन सा होना चाहिए, तो बस यही कोशिश होती है। 25-26 साल हो गए अल्लाह ताला आपको इज्जत शोहरत, जजाकल्ला जजाकल्ला, बस जुड़े रहें चिपके रहें, बस बस आप सबकी दुआ चाहिए, अल्लाह ताला आप सबको आप हमारे साथ जरूर इंशाल्लाह। अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है। क्या बात है, अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है, फिर आपकी किस्मत संवर जाए तो। क्या बात है, वाह जी वाह वाह वाह। वैसे तुम्हें ने बर्बाद किया है लेकिन, वैसे तुम्हें ने बर्बाद किया है लेकिन इल्जाम किसी और के तरह को। क्या बात है जी, वाह बहुत अच्छे। ये आपके शाम को जो प्रोग्राम कर रहे हैं ठंडी हवा कर रहे हैं, ये आपके प्रोग्राम के नाम। सर थैंक यू, थैंक यू, जजाकल्लाह। ढेरों ढेर दुआ साथ को कहते हैं आपके वालिदैन की तकदीर करे, आमीन 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 अल्लाह आमीन, जजाकल्लाह। ओके थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास, नसीम भाई थे गुलशन इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम है ज़ीशान अहमद। ज़ीशान अहमद, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं कई बार सुन चुका हूँ लेकिन कोशिश मैंने फोन करने की आज ही की है। तो आज इसका मतलब कुछ पहले से अच्छा हो गया कुछ? इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखे, आमीन आमीन आमीन, और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करता रहूँ। जरूर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल मेरी एक फरमाइश अगर आप पूरी कर दें तो मैं कोशिश करूँगा, मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा। बताइए, आप बहुत अच्छे नगमे सुना रहे हैं, नाहिद अख्तर का भी आपने गजल सुनवाई माशाल्लाह, मेरे फेवरेट हैं वो। अच्छा जी हाँ, लेकिन इस वक्त
आई एम सॉरी, लगता है आपका या तो बैलेंस खत्म हो गया कि मोबाइल से कॉल करें, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लीजिएगा। निशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है शोभी भाई? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका नाम? ईदू बात कर रहा हूँ। ईदू कबूल, कैसे, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े दिनों बाद आपको याद आई हमारी। नहीं शोभी भाई, मैं शो तो सुन रहा था लेकिन आप कॉल नहीं ले रहे थे, मैसेज तो करता रहता था फेसबुक। अच्छा, अब तो मैं कॉल भी बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, मैं अब तो कॉल भी बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, मैं अब तो कॉल। अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने रात को भी ट्राई किया था लेकिन कॉल नहीं मिलता। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं जी। बिल्कुल, आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, मतलब बहुत अच्छा शो है। बहुत शुक्रिया, आपकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा शोभी भाई, मैं शो के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा। मैंने कहा एक में छोटा सा टॉपिक रखा करें जिसपे ना कहते हैं हल्की फुल्की बात हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं टॉपिक कभी रखा करता था, टॉपिक रखने से हमारे यहाँ टॉपिक पे ज़रा लोग कमी चलते हैं ना, तो फिर वो टॉपिक सेट ही जाते, टॉपिक सेट जाते तो फिर वो मुश्किल टॉपिक नहीं, बिल्कुल कह कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कहते हैं गुफ्तगू के लिए थोड़ी बहुत हो। नहीं, गुफ्तगू तो वैसे भी ईदू हो जाती है। असल में थोड़ा पता है हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला क्या है कि हम लोग जब हम एक बाउंडेशन रख दें ना, तो फिर हम लोग फिर जरा आपस बाहर हो जाते हैं फिर। हाँ ये भी, तो वो भी फिर, वो फिर उस वक्त मुझे फिर ज़रा सा अच्छा नहीं लगता कि मैं टोकूँ बार बार, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो बहरहाल लेके हम एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि तो भाई जो मुख्तसर से कॉल करके हेलो हाय खैर आफियत आपस में एक दूसरे की पूछ लें, दरियाफ्त कर लें, अच्छा होता है। और बाकी अपना गुफ्तगू चल ही रही होती साथ साथ जैसे तैसे है। बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह, आपकी बात को भी सामने रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने सॉन्ग भी बहुत अच्छे प्ले किए, और दूसरी बात मैं जो जितने भी बहनें सुने हैं भाई सुने हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। आमीन, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अब यूँ करते हैं कि ज़रा कुछ पुरानी याद को ताज़ा करते हैं, है ना। एस बी जॉन साहब की आवाज़ में, और एस बी जॉन साहब भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला मसीह पैदा करे इनके लिए। तो एक इनकी लाइव प्रोग्राम की गाना, वैसे तो आपको पता है कि फिल्म में गाना मूड है, मूड तो यही है उसका, लय भी ये सब कुछ है, मगर ये लाइव प्रोग्राम की गजल थी जो कि मैंने इस पर शामिल की प्रोग्राम में। और वक्त जो है वो 2:45 हो चुके, शो भी आपके साथ मौजूद है FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। हुस्ना फरीदा खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सेना, थैंक यू रमत जी। और रूबना खान क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तारिक खिलजी इंतकाल कर गए, दुआए मगफरत मुल्तान हो। तो कैसे, आपको कैसा खबर हुई, आप भी वैसे मुल्तान में, तो आप भी मुल्तान में ही होती हैं, तो आप तक ये खबर कैसे पहुँची ज़रा ये ज़रूर बताइएगा रूबना। और कैसे, अगर पता है तो कैसे क्या हुआ है, ये तो थी, तो बड़ा अल्लाह ताला मगफरत करें। और जज़ाकल्लाह लुमना खान आपका। और उसके बाद शबाना सुल की थी, वाह क्या बात है शोभी, शबे गम की और नाइस शो शोभी भाई। हुसैन फरीदा कहती हैं, और फरहानुद्दीन क्या कहते हैं, वहशतें बढ़ गईं मौसम की इनायत के बाद, ये हम कभी रोए कभी हंस दिए बरसात के बाद, इतनी मजबूती से दिल वीरा के दर दर बदर किए, दिल में उतरी ना कोई साथ तेरी ज़ात के बाद, क्या को क्या बताब। बहुत अच्छी जी, और थैंक यू हुसना फरीद, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जनाब शबाना को इल्सिल कहती हैं, नाइस प्लेलिस्ट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उसके साथ साथ फिर हम आते हैं, कुछ और मैसेजेस तो हमारे चल ही रहे हैं साथ साथ, मगर हम उससे पहले जो है एक कॉल सुनते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, बहुत क्या क्लासिक आवाज़ है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी आ रही है आवाज़, आ रही है जी। हम क्या कह रहे हैं, बात सही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मेरा आवाज कुछ खराब है जी। जी नहीं नहीं जरूर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आपको
नहीं, हम सब की दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हम सब दुआ करेंगे जरूर इंशाल्लाह ताला। आमीन। बाबा बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, सलामत रहें आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। चले चले भाई, अल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह जल्द आप सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला बस अपना करम करने वाला है, यकीनन दुख और तकलीफ़ सब अल्लाह की तरफ से है। और आते हैं अपने एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अंजुल शुभी साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अब्दुल्ला बलोच कराची सब्जी मंडी से बात कर रहा हूं। जी जी अब्दुल्ला बलोच जी, अब्दुल्ला बलोच कैसे, खैरियत से आप? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है, आप पुराने याद ताज़े कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ बस पुराने, हमें तो हम खुद भाई पुराने गाने मतलब आ रहे हैं, बहुत कम है आवाज़ आपका। जहाँ था वही पर हूँ, आगे भी छेला भी नहीं हूँ। अब इस हफ्ते को होगा, लास्ट वीक को हम नहीं कर सके, कुछ मुसीबत थी, इस हफ्ते को मुलाकात होगा इंशाल्लाह। हेलो। हेलो जी जी, मैंने कहा इस हफ्ते को, इस हफ्ते को प्रोग्राम मुलाकात जो है वो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रहना चाह तो इस हफ्ते को प्रोग्राम होगा, आप बस बेफिक्र रहें। और अब जनाब शाह सुहेल जर्रार कहते, शोभी भाई 1996 में आपका शो हमारी रात शानदार बनाता था, आज आपकी आवाज़ सुनकर लुत्फ आ गया, लेकिन फेसबुक पर आपके प्रोग्राम की मखसूस धुन सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैंने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मैंने बंद किया हुआ है अभी, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, ये अब ऑन किया मैंने। और अब यूँ करते हैं कि हम जब तक आते हैं इसी